कुछ रोगियों का, जैसे रोगियों का कहानी सुनाया। ये घटना का, घटना को ठीक से समझने के लिए इसका थोड़ा हिस्ट्री, इसका ट्रेडिशन, ये समेरिया यहूदी लोग का ट्रेडिशन भी थोड़ा जान बचाना है। जिसु वर्ष के पूर्व 772 साल के साल आगे एक युद्ध हुआ था असुरों के साथ, यहूदी और असुरों के साथ। उसमें ये यहूदियों को असुरों ने हार दिया वही युद्ध में। फिर यहूदियों का सारी परिवारों को एक दूर देश में भेजा, इसे भागने दिया। जो यहूदी लोग के साथ युद्ध हुआ था उसमें हार दिया, सारी लोग को, सारी परिवारों को यहूदी जगह से दूर देश में भेजा। फिर भी जो बचे हुए थोड़ा यहूदी लोग था उधर, उनको क्या ये लोग असुरों को जो जीत गए उनको सेवा करने के लिए बैठे, उन वो बचे हुए यहूदियों के साथ ये असुरों का शादी शुदी हुआ। उसमें जन्म लिया वाला आदमी लोग थे समेरिया लोग। तो यहूदी लोग ये समेरिया लोग को नहीं मानते, इन लोग के साथ कोई रिश्ता होना और कोई शादी शुदा, कोई रिश्ता, कोई बंधन होने मना करते हैं यहूदी लोग, क्योंकि ये लोग उन्हें उनका दुश्मनों के साथ शादी शुदा हुआ था उससे बच्चों के समेरिया लोग, तो कभी नहीं मानते। इसलिए एक औरत से जब जिसु पानी मांगते थे कुआ के सामने, एक समेरिया औरत से पानी मांगते थे, औरत पूछते आप ये यहूदी है फिर भी मुझसे क्यों पानी मांगते, क्योंकि इसे नहीं होते, ट्रेडिशन मना करते हैं एक यहूदी एक समेरिया के साथ कोई रिश्ता नहीं बनना। तो ये रिश्ता, ये ट्रेडिशन चलते हुए समय में यीशु का जीवन भी बोलते हैं वही समय में आज का सुसमाचार का कहानी हो गया, वो घटना हो गया। जैसे यीशु सुसमाचार का भाषण करते हुए समेरिया गलीली, क्योंकि यीशु को सिर्फ एक कर्तव्य पिता परमेश्वर का प्यार और उसका देश का सुसमाचार सबको सुनाना। एक दो तीन चरणों से वो ये कहानी सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश करते, पहले यहूदी लोग के साथ, फिर उसके बाद समेरिया लोग के साथ, उसके बाद बाकी जातियों लोग के साथ। तो दो तीन चरणों से वो अपना सुसमाचार का भाषण देते रहते, सुनाते रहते। तो पहले यहूदियों के साथ, क्योंकि समेरिया लोग आधा में यहूदी है, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं मानते क्योंकि दुश्मन के साथ, जो इन्हों को युद्ध में हार दिया उन्हों के साथ शादी हुआ था, इसलिए समेरिया लोग को नहीं मानते। फिर भी ट्रेडिशन में वो भी यहूदी लोग एक देश में रहते हैं। तो यीशु का ऊपर यीशु उसका कर्तव्य में ये वाद विवाद का कोई कहानी नहीं होते, सब पिता परमेश्वर के सामने सब एक।